नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं नागरिकता के विषय में। जी हाँ, भारतीय संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता के विषय पर चर्चा की गई है। उनके प्रावधान और उनके अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो हमारी इस वीडियो में शुरुआत से अंत तक देखना ना भूलेगा, जिसमें एक विशेष रूप से डिटेल्ड में ये पूरी चर्चाएँ की गई हैं और पूरे अधिकार और प्रावधान बताए गए हैं। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो पे शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएं। तो चलिए जान लेते हैं, पहले उसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं, किस तरीके से बैकग्राउंड है। हमारे भारत में दो तरीके के लोग रहते हैं, अन्य देशों की तरह हमारे यहाँ पर भी कई लोग आते जाते बने हुए रहते हैं। विदेशी लोग भी रहते हैं और भारतीय नागरिक भी रहते हैं। तो भारतीय नागरिकों को कैसे पहचाना जाए, भारतीय नागरिक जो हैं उनका अधिकार क्या होता है, वो क्या करते हैं। सिटीजन आर फुल मेंबर्स ऑफ द, ये क्या होते हैं, भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। ये पूरे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं। जो भी हमारे यहाँ पर राइट्स हैं, वो सारे राइट्स इनको भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं। लेकिन विदेशी नागरिकों को क्या होता है, ये क्या है, किसी अन्य देश के नागरिक, किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, किसी एक विशेष राज्य के हो सकते हैं, और यहाँ पर इनको कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं। अब ये यहाँ पर दो तरीके से डिवाइड किया गया है, विदेशी व्यक्ति जो यहाँ पर निवास करते हैं, उन विदेशी व्यक्तियों को भी दो तरीके से बांटा गया है। कौन कौन से हैं, एक फ्रेंडली अलायंस और एक एनिमी अलायंस। फ्रेंडली मतलब कि मित्र जो विदेशी हैं और जो दुश्मन विदेशी हैं, तो इस तरीके से बात कर लेते हैं। फ्रेंड अलायंस आर दोज, ऑब्वियस है कि फ्रेंड अलायंस हम किसको कहेंगे, जिसका भारत से एक अच्छा संबंध होगा। जिन देशों का भारत से एक अच्छा संबंध होगा वह हमारे कौन से कहलाएंगे, वह हमारे मित्र देश कहलाएंगे। और दुश्मन देश कौन कहलाएंगे, विपक्षी देश कौन कहलाएंगे, जिनका हमारे भारत के साथ में एक अच्छा समझौता नहीं होगा, वह क्या कहलाएंगे, एनमी अलायंस कहलाएंगे। तो ये कोई ज़्यादा डीप डिस्कशन की बात नहीं है, ये एक जनरल फैक्ट है। फिर बात कर लेते हैं कि कुछ हमारे यहाँ पर संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए हैं नागरिकता के लिए, नागरिकता नागरिकों के अधिकार के लिए, जो केवल नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, ना कि विदेशी व्यक्तियों को। तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के विरुद्ध के अधिकार, भेदभाव जो होते हैं उनके अधिकार मिलते हैं। सभी को समान अवसर मिलते हैं, समान अवसर की प्रावधान है, कौन सा, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 में है। धर्म की मान्यता सभी को है, क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि सभी को अपने विचार विमर्श करने का, विचार रखने का अधिकार है। यह कौन सा बताता है, यह आर्टिकल 19 बोलता है। कल्चर एंड द एजुकेशनल राइट्स, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार हमें कहाँ से मिलता है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में ये भी चीज़ें बताई गई हैं। राइट टू वोट इन द इलेक्शन, सभी को लोकसभा और राज्य विधानसभा जो भी सीटें होती हैं उस पर मत देने का अधिकार है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने का अधिकार है सभी को, और किसी भी पब्लिक ऑफिसर्स की पोस्ट को होल्ड करने का भी यह अधिकार यह संविधान में दिए गए हैं भारतीय नागरिक को। अब चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रपति कौन होगा। अब राष्ट्रपति कौन होगा, ये चर्चा इसलिए करना जरूरी है, यहाँ पर नागरिकता की बात की जा रही है, तो नागरिकता के प्रावधान को देखते हुए यहाँ पर बताया जा रहा है राष्ट्रपति की चर्चा। तो हमारे इंडिया में इस तरीके से बात है कि भारत का नागरिक, जो भारत का नागरिक है वह हमारा प्रेसिडेंट हो सकता है, हमारे भारत देश का प्रेसिडेंट हो सकता है। और सेम चीज़ यूएसए में भी है कि भारत जो उस देश का नागरिक होगा वो वहाँ का प्रेसिडेंट होगा। लेकिन एक माइनर यहाँ पर डिफरेंस है, क्या चीज़ है, यहाँ यूएसए में बोला गया है जो मूल निवासी है, जो मूल रूप से यूएसए का हो, जो मूल रूप से क्या हो, यूएसए का हो, मतलब कि उसका बर्थ प्लेस ही यूएसए हो, वही क्या हो सकता है, वही यूएसए का प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन हमारे इंडिया में कैसा है, हमारे इंडिया में इस तरीके से बात है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वह बर्थ से हो या बाद में आके हो गया हो। तो इस तरीके से यहाँ पर चेंजेस हैं, और ये कंपैरिजन से आप लोगों को हमेशा याद रहेगा कि क्या क्या चेंजेस हमारे यहाँ पर हैं और क्या चेंजेस यूएसए पे। तो हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ कि आप कंपेयर करके पढ़िए तो अच्छे से याद रहेगा। फिर हम देख लेते हैं जो संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं कुछ आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक के बीच में,
भारतीय नागरिकता के लिए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यह चर्चा आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक बता चुका हूँ। भाग 2 में संविधान में नागरिकता की चर्चाएं की गई हैं। ये कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये चीज़ अपनाई गई थी। और ये किस चीज़ से डील करता है? इस पर सिर्फ नागरिकता के बारे में बताया गया है, इसको कोई व्याख्यान नहीं किया गया, इसमें कोई डिटेल डिस्कशन नहीं किया गया, यहाँ पर बताया गया है। और दूसरा पॉइंट बताता है कि इससे हमें कोई भी चीज़ पर या नागरिकताओं की हानि पर या उनके अधिग्रहण पर कोई भी बात चर्चा यहाँ पर नहीं बताई गई है। तो ये चीज़ बता दी गई। फिर उसके बाद में संसद को क्या शक्तियाँ दी गई हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संसद को नागरिकता के लिए क्या शक्तियाँ दी गई हैं? तो इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इनेक्ट द लॉ टू प्रोवाइड फॉर सच मैटर्स एंड एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। नागरिकता से जुड़े किसी भी मामले पर नियम बनाने की शक्ति क्या मिलती है? संसद को नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट हैज़ एनेक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 विच हैज़ बीन अमेंडेड 1986, 92, 2003 एंड 2005। तो इसी तरीके से जब यहाँ पर शक्तियाँ मिली हैं, इसी तरीके से क्या हुआ कि 1955 में एक सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया था संविधान के द्वारा 1955 में, जिसको कई बार अमेंडमेंट भी किया गया है। तो ये आपको पता चल गया कि अमेंडमेंट भी 4 बार हो चुका है सिटीजनशिप एक्ट। और अभी चर्चा में एनआरसी और सीएए काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो ये भी काफ़ी रिलेट करते हैं यहाँ से, हमारे सिटीजनशिप एक्ट से। तो इनके बारे में हमको डिटेल में अभी जानने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हमको प्रावधान मिलते हैं कि हम भारत के नागरिक कहलाएंगे और किस तरीके से हम भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपको सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए, एनआरसी के से रिलेटेड, सीएए से रिलेटेड। और ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में ही लिखित हैं, इनका वर्णन संविधान में किया गया है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको पूरे डाउट क्लियर हों। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ है? इनको 4 भागों में, संविधान के द्वारा ये नागरिकता को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द 3 कंडीशन। वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक होगा, कौन कौन होगा भारत का नागरिक? अगर वह 26 जनवरी, अकॉर्डिंग टू द कंस्टिट्यूशन, सिटीजन ऑफ इंडिया एट्स कमेंसमेंट ऑन 26 जनवरी 1950 को यह अपनाया गया कि वह ऐसा व्यक्ति जो इन तीन कंडीशंस को फॉलो करता है, इन तीन में से किसी एक कंडीशन को भी अगर फॉलो करता है तो वह एक भारत का नागरिक होगा। इफ ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, या तो वह क्या हो, यहाँ पर जन्मा हो भारत में, या फिर उसके माता पिता में से कोई एक यहाँ पर जन्मे हो। इफ ही हैज़ बीन ऑर्डनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 ईयर्स इमिजिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर वह संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा हो। कौन कौन से 3 कंडीशंस? या तो वह भारत में जन्म हुआ हो उसका, या फिर उसकी पेरेंट्स का यहाँ पर जन्म हुआ हो, या फिर वह व्यक्ति संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति को आर्टिकल 5 के तहत भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिकेम एन इंडियन सिटीजन इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड। अब दूसरा क्या बताया गया कि ऐसे कुछ व्यक्ति जो कि माइग्रेट हो गए इंडिया से, फ्रॉम पाकिस्तान से इंडिया आए हैं और इंडियन सिटीजन्स हो गए, इफ़ ही आर आइदर बन सकते हैं। अब उनके लिए भी कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि माइग्रेटेड लोगों के लिए भी क्या कंडीशंस है, तो जान लेते हैं उन कंडीशंस के बारे में। इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर वो कब आए हों, या तो जुलाई 1948 से पहले वह माइग्रेट हुए हैं। इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948, ही हैड बीन ऑर्डनरी रेसिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, तो उनको क्या माना जाएगा? उनको भारतीय नागरिक माना जाएगा। इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया ऑन आफ्टर जुलाई 1948, ही हैड बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट अ पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड ओनली इफ ही हैड बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ प्रिसीडिंग द डेट ऑफ द हिज एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। तो अब दूसरे में क्या बोला गया है, बातें दोनों में सेम है। एक में जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति रह रहा होगा आ गया है तो उसको क्या बोला जाएगा, भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। दूसरा, जुलाई 1948 से के बाद अगर कोई कोई व्यक्ति आता है
लेकिन वह एप्लीकेशन अपनी अप्लाई कर देता है तो उसको भी भारतीय नागरिक माना जाएगा, पर उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशंस के बाद तक 6 महीने तक उसको क्या होना चाहिए, भारत में ही निवास अगर वह करता है तभी उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, भारतीय नागरिकता मिलेगी। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा आर्टिकल 6 में बताया गया है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो अब इस तरीके से क्या हुआ है, कुल मिला के इनको 4 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया। सम ऑफ द प्रोविजन डील विद द सिटीजनशिप, नागरिकता को 4 तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया। किस तरीके से, पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, या तो वह भारत का नागरिक हो, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से आया हुआ कोई व्यक्ति, पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर टू, कौन व्यक्ति, जो पर्सन क्या हुआ, पाकिस्तान गया हो बाद में वापस लौट के भारत आ गया हो, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड। और चौथा क्या बताता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अन्य किसी देशों में रह रहा हो भारत के, लेकिन वो उसका मूल निवास क्या हो, वह मूल भारतीय मूल का व्यक्ति हो लेकिन अन्य किसी देश में रह रहा हो। ऐसे 4 तरीके से नागरिकता की चीज़ें बांटी गई हैं। तो अब यहाँ पर और डिटेल में पढ़ लेते हैं, द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप्स आर एज फॉलो। तो आर्टिकल 9, 10 और 11 क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज़ वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ द, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अगर किसी अन्य विदेश की नागरिकता लिए रहता है तो उसको क्या किया जाता है, वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। ये चीज़ हम पहले भी विशेषताओं में पढ़ चुके हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप हमारे भारत के नागरिक हैं तो सिर्फ भारत के नागरिक हैं, और अगर आप कहीं अन्य नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या बोलता है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री रिलेटेड आर्टिकल 10 बताता है कि जो भी 5, 6, आर्टिकल 5, 6 और 7 और 8 में जो भी फैक्ट बताए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको पार्लियामेंट के अधीन नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी आप भारत के नागरिक होंगे। आर्टिकल 11 कहता है कि संसद को यह शक्तियाँ दी गई है कि वह नागरिकता के लिए नियम बना सकते हैं। इस तरीके से ये हमने जान ली बातें। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से नागरिकता मिलती है, तो नागरिकता के प्रावधान और नागरिकता किस तरीके से अधिग्रहित की जाती है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला है बाय बर्थ, जन्म से। तो ऑब्वियस है, जन्म से बताने में ज़्यादा डिटेल बताने में ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि बाय बर्थ क्या है, कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति जन्मा हुआ है तो उसको अपने आप ही नागरिकता यहाँ की मिल जाएगी। फिर क्या है, बाय डिसेंट यानी वंश द्वारा। तो अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि क्या हो, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 के बाद में बाहर जन्मा हो भारत से, लेकिन क्या हुआ हो, 10 दिसंबर 1992 से पहले वह भारत आ गया हो, इफ हिज फादर, तो उसको क्या हो जाएगा, उसको नागरिकता का प्रावधान नागरिकता मिल जाएगी। पर क्या होगा, इफ हिज फादर वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, पर क्या हो, जब वह जन्मा हो तब उसके पिता की क्या होनी चाहिए, नागरिकता कहाँ की होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए उसका पिता। तो वह इस प्रावधान में 26 जनवरी 1950 के बाद में भले जन्मा हो और 10 दिसंबर 1992 से पहले आ गया हो, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच के टाइम के पीरियड में उसको क्या बोला जाएगा, भारतीय नागरिक की दृष्टि पे आया जाएगा, स्तर में आएगा। अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन आफ्टर, अब क्या बोला गया, अभी 10 दिसंबर 1992 और 1950 के बीच तक की बात बोली गई थी, अब बोलते हैं कि 10 दिसंबर 1992 के बाद में अगर कोई व्यक्ति बाहर जन्मा हो तो ऐसे व्यक्ति को भी भारतीय नागरिक माना जाएगा इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट दिस टाइम ऑफ हिज बर्थ। तो इसमें भी यही बात बोली गई है कि अगर उनके पेरेंट्स भारतीय नागरिकता है रखते हैं उसके जन्म के समय में तो क्या होगा, तब भी वह भारत का नागरिकता उसको मिल जाएगी ऐसे व्यक्ति को। अब लास्ट है यहाँ पर, फ्रॉम 3 दिसंबर 2004 ऑनवर्ड्स अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाई डेसेंट अनलेस हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कंसुलेट विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ बर्थ और विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड। एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ अ माइनर चाइल्ड टू बी एन इंडियन आइसोलेट शैल बी एक्युमुलेट। तो अब इसमें बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो कि 3 दिसंबर 2004 के बाद में जन्म लेता है कहीं बाहर विदेश में, और तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को
भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी, भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। कब तक? अगर वह 1 साल के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन इंडियन कंसुलेट पे यहाँ पे नहीं करवाया जाता, यहाँ पे बर्थ सर्ट यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता है, और 1 साल के भीतर और गिविन टाइम पीरियड पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट में इसकी परमिशन के साथ साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही साथ में क्या है कि उसको यह बताना चाहिए कि बच्चे के पास में, पेरेंट्स को यह बताना होगा कि बच्चे के पास में कोई अन्य देश का पासपोर्ट वगैरह नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 प्रावधान हमको पता चले कि किस तरीके से बाय डिसेंट वंश के रूप में किस तरीके से नागरिकता का प्रावधान है। अब पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण से किस तरीके से नागरिकता का प्राप्त होते हैं, तो अ पर्सन, आप लोगों ने देखा होगा कई जो एक्टर्स वगैरह हैं, सिंगर्स हैं, हमारे यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं नागरिकता के लिए। कुछ लोगों को नागरिकता, बाहरी विदेशी लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी है। तो इस तरीके से आप जान लेते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं एप्लीकेशन तो दी होगी, या कुछ लोग वंश के हिसाब से यहाँ पर अप्लाई किए होंगे। तो हम उन सारी चीज़ों को अच्छे से जानने वाले हैं, और साथ ही साथ में जो एनआरसी से रिलेटेड मैटर्स है वो भी आप लोगों के यहाँ पे क्लियर होते चले जाएंगे। कि जो आधी जानकारी है वो आधी अधूरी जानकारी नहीं होगी कि एनआरसी से क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है उसका निकाला जाएगा, क्या यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती चली जाएंगी। तो बाय रजिस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन हु इज ऑर्डनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि भारतीय मूल का व्यक्ति हो, भारतीय मूल का हो, और वह 7 साल से यहाँ पर रह रहा हो और उसके बाद में वह अप्लाई करता है, तब उसको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन हु इज ऑर्डनरी रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड द अनडिवाइडेड इंडिया। ऐसा कोई व्यक्ति जो कभी, जो कहीं पर अविभाजित जो भारत है उसके बाहर कहीं अन्य देश पर रह रहा हो, तो वह व्यक्ति भी भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण करवा सकता है। अ पर्सन हु इज मैरिड टू, आप कोई ऐसी ऐसा व्यक्ति जो कि जो भारतीय नागरिक से विवाह कर लेता है, यहाँ पर कोई भारतीय नागरिक से विवाह कर लेता है, तो उसको भी क्या हो जाएगी, भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी उसको यहाँ पर 7 साल का प्रावधान है कि 7 एप्लीकेशन देने से पहले वो उसको 7 साल रहना पड़ेगा, तभी जाके उसको नागरिकता मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर क्लियर होना चाहिए भारतीय नागरिकता का प्रावधान, अगर आपको भारतीय नागरिकता मिल रही है तो भारत को पहले कन्फर्म होना चाहिए कि आप यहाँ पर रहना चाहते हैं, ताकि इसीलिए वह 7 साल की एक टाइम ड्यूरेशन देती है कि आपको पता, व्यक्ति को पता चल जाए कि आप यहाँ पर फिक्स होना चाहते हैं, यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं। बाय नेचुरलाइजेशन, तो यहाँ पर जान लेते हैं हम कि प्राकृतिक रूप से कैसे, नेचुरलाइजेशन से कैसे प्राकृतिक रूप से हमारे भारतीय नागरिकता का मिल सकती है। तो ही इज़ नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट। अब ऐसे कहीं पर भी उसका नागरिकता नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहीं पर वह नागरिक नहीं होना चाहिए, किसी देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहाँ के लिए हमारा भारत देश प्रतिबंधित करता है, ऐसे देशों के, जैसे देशों को प्रतिबंधित करता है उन देशों का वह नागरिक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे देशों का नागरिक होगा तो उसको भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। दैट इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री ही अंडरटेक्स द रिनाउंस द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री इन इवेंट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर, फिर वही बात है कि अगर वह जैसे ही भारतीय नागरिकता को अपनाता है तो जहाँ का वह नागरिक है, जहाँ की वह दूसरी अन्य जगहों की अगर नागरिकता लिए है, तो वह अपने आप ही कैंसिल कर दी जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। दैट ही हैज़ द एडिक्वेट नॉलेज, उसको क्या होना चाहिए, 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दैट इन द इवेंट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन बींग ग्रांटेड टू हिम, और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जो प्राकृतिक रूप से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं तो उनको पहले नंबर कंफर्म होना चाहिए कि उनकी मनोभाव है, उनका मन है यहाँ पर भारत में निवास करने का, वह भारत में ही रहना चाहते हैं, यह सबसे बड़ी सोच उनकी होनी चाहिए, तभी जाके उनको यहाँ पर नागरिकता मिलेगी। तो इस तरीके से हमने आज नागरिकता के बारे में जाना और नागरिकता से जुड़े अहम पहलुओं के बारे में जाना है। आशा करते हैं आपको सारा ये वीडियो पसंद आया होगा, जो भी कंटेंट इनसे रिलेटेड होंगे जैसे कि एनआरसी, सीए और जो भी सिटीजनशिप एक्ट हैं वो सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। तो जाने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को पसंद किया है तो लाइक कीजिएगा,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।